विवाद के बाद विवाद में शामिल एक व्यक्ति गोपी कृष्ण नेमा के यहाँ दिवाली मनाने आया था। लालू अरोरा ने बताया कि आरोपी भी उसकी तलाश में यहाँ पहुंचे थे। उक्त व्यक्ति की तलाश में इसके बाद 10 से 12 बाइक सवारों ने गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हमला कर दिया। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। अरे वो अंदर, एक मिनट, वो अंदर जो है ना दादा, एक्चुअली आप बता दो क्या सूचना मिली थी, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे क्या सूचना मिली थी। हमको तो केवल इतनी सूचना मिली थी यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा जैसे की बात हुई है, और कोई जानकारी अभी मिली नहीं है। कौन लोग थे आप देख पाए? नहीं, हमने किसका घर है जहाँ पर? तो गोपी कृष्ण नेमा जी का घर है। तो कुछ इन्होंने बताया अभी जो आपने चर्चा करी कि कौन आया था, कितने लोग आए थे, इनको हमला करा घर? अभी तो जनता बता रही है कि 10-15 लोग थे। हाँ। और इसकी चल रही है अभी जांच पड़ताल। अभी आपका नाम क्या है? बीएस तोमर। कौन थाने छत्तीसपुरा मालूम। पहली चीज, हम तो अंदर बैठे थे, कुछ लोग मेरे से दिवाली मिलने आए थे, उनसे बात कर रहे थे। बाहर काली गुप्ता की आवाजें हुई तो हम झांकने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। तो वो तो सब हमारा दरवाजे पे लट्ठों और तलवारें ले लेके खड़े थे और गालियां बक रहे थे। तो हम बाहर निकलने के लगे तो मेरे साथ वालों ने किया कि नहीं, अपने को बाहर नहीं जाना। तो उनने दरवाजा बंद कर दिया हमारा, मेन गेट। तो यहाँ दरवाजे पे लात मारी, ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने, ये सब गमले वमले फोड़ दिए, ये तोड़ फोड़ कहाँ छोड़ गए, ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, बाकी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। और स्वभावगत मेरा झगड़े वाला कोई व्यवहार ही नहीं है किसी से कहीं। क्या गोपी भाई कोई पार्टी की क्या दुश्मनी? नहीं, कोई कोई दुश्मनी नहीं मेरी किसी से, दुश्मनी नहीं ना, कांग्रेस वालों से ही मेरा अच्छे संबंध है, मेरी पार्टी में तो अच्छे हैं ही। घर में कौन कौन था? मैं और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई था, उसकी पत्नी थी, और ये 10-5 लोग जो मेरे से दिवाली मिलने आए थे, हम बैठ के वहाँ पे मुँह मीठा कर रहे थे आपस में। कोई पकड़ में आए लोग? नहीं नहीं, कोई घायल वायल? वो एक लड़का घायल हुआ जो बाहर बैठा था बेचारा, उसको मारा बहुत, उसको अस्पताल ले गए। अब मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन था। लगभग कितने लोग थे यहाँ? ये कम से कम 30-40 लोग थे, मतलब 20-25 बाइक थी। कुछ हथियार भी थे? नहीं, हथियार उनके पास थे, हथियार तो मिले कहाँ से, वो पकड़ाएंगे तो जब तो होंगे, जो भी कुछ होंगे पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई शक अंदेशा? नहीं, किसी पे कोई अंदेशा नहीं, अपना किसी से झगड़ा ही नहीं, तो अंदेशे का क्या सवाल।